हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटो दाल। ये डेली बनाते ही रहते हैं घर में। आज मैं थोड़ा अलग से बना कर दिखाऊंगी, अच्छा लगेगा, थोड़ा वैरायटी होने, खाने में मज़ा भी रहेगा। चलो आप बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए 1 कप दाल, तुवर दाल, 1 प्याज, इसे थोड़ा बड़े से काट लीजिए, 2 टमाटर, इसे भी थोड़े बड़े पीसेस काट लीजिए, थोड़ा मसाला, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल और थोड़ा इमली। इसको धोकर भिगा कर रख लीजिए। इमली खम ली थी क्योंकि इसमें टमाटर डालते हैं, टमाटर खट्टा रहेगा ना, इसीलिए थोड़ा सा इमली यूज़ करती हूँ। और ये बगर बीज है, थोड़ा दाल, थोड़ा माश्क दाल, थोड़ा जीरा, थोड़ा राई, 2 सूखा मिर्ची, 2 लहसुन, थोड़ा धनिया पत्ता। चलो बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिखाए हुए बेल आइकन को दबाइए। इससे मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्दी से देखने के लिए मिलेगा। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। पहले तुवर दाल को कुकर में डालकर अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं इसे वॉश कर ली हूँ। इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और उसके अंदर कटी हुई प्याज, कटी हुई टमाटर, थोड़ा मसाला, थोड़ा नमक, थोड़ा ऑयल डालकर ढक्कन रखकर 5-6 विजल आने तक पका लेते हैं। आप चाहे तो दाल को थोड़ा देर भिगा कर भी पका सकते हैं यही प्रोसेस में। वैसा भिगा कर रखेगा तो 3 विजल में पक जाएगा, नहीं तुरंत बनाना चाहिए तो 6 या 7 विजल रखनी चाहिए। स्टोव जला कर कुकर में रखते हैं और इसे 5 या 6 विजल आने तक पकने देते हैं। दाल पका कि नहीं कि देखेंगे। दाल पक गया है, अब इसे घोटेंगे। आप स्पून से भी घोट सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। दाल अच्छी पक गया है। अब इसके अंदर इमली का रस को डालते हैं। इसके अंदर डालिए। पूरा इमली का रस को निकाल कर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिलाकर थोड़ा देर स्टोव के ऊपर पकने देते हैं।
इसके अंदर और थोड़ा पानी डालते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा नमक को डालिए, अच्छे से मिलाकर और थोड़ा देर पकने दीजिए। दूसरा स्टोव को जलाकर एक डेक्सी को रखेंगे। डेक्सी गर्म होने के बाद थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर 4 लहसुन और सुखा मिर्ची, थोड़ा चने का दाल, थोड़ा माश का दाल, थोड़ा राई, थोड़ा जीरा डालकर अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भुनाने के बाद इसमें थोड़ा खड़े पत्ता भी डालीजिए, मेरे पास वो नहीं है इसीलिए नहीं डाली। ये दाल को उसके अंदर डाल लीजिए उस बगार में। और इसे थोड़ा देर पकने दीजिए। इसके अंदर थोड़ा धनिया पत्ता को डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा देर इसे पकने दीजिए। ज़्यादा देर पकाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा देर ही पका लीजिए। ऐसा पतला ही रहने दीजिए, गाढ़ा होएगा तो मिलाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा खाना में। ऐसे पकने के बाद स्टोव को ऑफ कर लीजिए। टमाटो दाल रेडी हो गई है। थोड़ा डिफरेंट है ना, इसीलिए ऐसे ही ट्राई करो, अच्छा रहेगा। अब इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लीजिए। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये खाना में भी अच्छा रहेगा और दाल और चपाती में भी अच्छा रहेगा, इसे ज़रूर ट्राई करिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और आपके फ्रेंड्स और दोस्तों सबको। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करो। बाय फ्रेंड्स। थोड़ा सा नमक को डालिए, अच्छे से मिलाकर और थोड़ा देर पकने दीजिए। दूसरा स्टोव को जलाकर एक डेक्सी को रखेंगे। डेक्सी गर्म होने के बाद थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर 4 लहसुन और सुखा मिर्ची, थोड़ा चने का दाल, थोड़ा माश का दाल, थोड़ा राई, थोड़ा जीरा डालकर अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भुनाने के बाद इसमें थोड़ा खड़े पत्ता भी डाल लीजिए, मेरे पास वो नहीं है इसीलिए नहीं डाली। Thank you.
ये दाल को उसके अंदर डाल लीजिए उस बगार में। और इसे थोड़ा देर पकने दीजिए। इसके अंदर थोड़ा धनिया पत्ता को डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा देर इसे पकने दीजिए। ज़्यादा देर पकाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा देर ही पका लीजिए। ऐसा पतला ही रहने दीजिए, गाढ़ा होएगा तो मिलाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा खाना में।